नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 24 निकालेंगे। पेज नंबर 24 पर आप लोग देख सकते हैं, ये दूसरा पार्ट है, दूसरे यूनिट का दूसरा पार्ट है, पार्ट दो, पैसे। पैसे आज हम पैसों के बारे में समझेंगे। तो ये चित्र आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, इस चित्र में हमें बहुत कुछ ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र में हमें पैसों की ही जानकारी दी गई है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने का सिक्का है, 1 रुपीज़ का, यानी 1 रुपये का, ये 2 रुपये का, और इसी तरह ये 5 रुपये का सिक्का है, और ये 10 रुपये का जो आजकल चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ नोट्स भी दिखाई पड़ रहे हैं इस चित्र में, जो 10 रुपये के, ये 10 रुपये का नोट दिखाई पड़ रहा है, आप लोग ने देखा भी होगा 10 रुपये का नोट, फिर ये 20 रुपये के नोट, फिर ऐसे ही ये 50 रुपये के नोट। बच्चों, तो इस चित्र में हमें अलग अलग तरह के सिक्के और नोटें दिखाई पड़ रही हैं, अलग अलग मूल्यों के। यहाँ जैसे कि हमने देखा, ये सिक्के कौन कौन से हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, और नोट कौन कौन से हैं, 10, 20 और 50 के नोट हैं। तो इस तरह से ये पैसे हमारे जीवन में कैसे उपयोगी हैं, ये आज मैं तुम्हें बताऊँगी। तो सबसे पहले तो बच्चों, आप लोग पैसे कहाँ जमा करते हैं? जैसे कि आप लोग को कहीं से कोई आता है आप लोग के घर पे, तो जाते समय विदाई के रूप में कुछ पैसे देके जाता है, जैसे आपके मामा मामी चाचा चाची कोई भी तुम आपके घर पे आते हैं, तो आप लोग कुछ कुछ ना कुछ पैसे पाते होंगे, तो उन पैसों को आप लोग कहाँ रखते हैं? तो उन पैसों के लिए बहुत पहले से शौक़ था बच्चों का कि वो पैसे बच्चे अपने गुल्लक में रखते थे, तो गुल्लक रहता था। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, आनंद और खुशी, इन्होंने भी अपना एक गुल्लक बनाया है, तो इस गुल्लक में पैसे जमा कर रहे हैं। तो वैसे ही हर एक बच्चों का रहता है कि नहीं, कि आप लोग का भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, किसी डब्बे में थोड़ा सा निशान करके जिसमें से पैसे जा सके अंदर, इस तरह से गुल्लक आप लोग ने भी बना कर रखा होगा। तो वैसे ही बच्चे क्या करते हैं, जहाँ से उनके मम्मी पापा या फिर कोई भी चिल्लर पैसे जहाँ से भी मिले, बच्चे ज़्यादा करके वो गुल्लक में पैसा जमा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आनंद और खुशी कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में पैसों का काफ़ी महत्व है, बिना पैसों की कोई भी सामान हम खरीद नहीं सकते, कुछ नहीं, मीन्स बिना पैसों के कहा जाए तो यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल है। रहने के लिए भी पैसे चाहिए, कोई सामान खरीदना है उसके लिए भी पैसा चाहिए, खाने के लिए अनाज लेना है तो भी हमें पैसों की ज़रूरत है। और लोग पैसों को कहाँ जमा करते हैं, बैंकों में, ठीक है, जो हमारी पगार है, हम काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, तो वो पगार भी हमारी कहाँ जमा होती है, बैंक में, ठीक है। तो फिर वैसे ही बैंकों के द्वारा, या फिर आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ बाहर गए होंगे तो आप लोग ने देखा होगा कि कुछ इस तरह के ATM के मशीन्स होते हैं, इस मशीन के द्वारा आप लोग पैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप लोग एक अंकल अपने बच्चों के साथ आए हैं और पैसे निकाल रहे हैं, तो वैसे ही बैंक में भी यह सुविधा होती है कि हम पैसे निकाल सकते हैं। जो ज़रूरत के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हमें कहाँ जाना पड़ता है, बैंक में, जहाँ से हम पैसे अपने जमा भी करते हैं और निकालते भी हैं, ज़रूरत के अनुसार हम पैसे बैंकों द्वारा निकाल सकते हैं। तो बच्चों, ऐसे ही इस चित्र में यहाँ पर एक महिला है, आप लोग देख सकते हैं, ये चूड़ियों की दुकान दिखाई पड़ रही है, तो ये भी कुछ पैसे इस दुकानदार को दे रही है चूड़ियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस चित्र में आप लोग को मैं समझा रही हूँ कि मतलब वो खरीदने के लिए चूड़ियाँ चाहिए, तो उसके लिए उसे क्या देना पड़ रहा है, पैसे, यानी कोई भी सामान, हम अपने जीवन के लिए आवश्यक जितनी भी ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत होती है। तो बच्चों, यहाँ पे दिखाया गया है और है भी, यह जीवन की कड़वी सच्चाई है कि पैसों से ही अपनी ज़रूरतें पूरी होती हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका वाचन मैं कर रही हूँ, आप लोग सुनना। यमुना, यमुना, गायन, थकान, साथ, मिसळ, मलयालम, एकांत, आएगा,
ऐरावत, ऐरावत यानी ऐरावत किसको बोलते हैं, जो हाथी के ऊपर रहता है ना वो ऐरावत। ऐब सिक्का, सिक्का जैसे कि हम लोग ने देखा ये क्या है, उसको चिल्लर भी बोलते हैं, चिल्लर। चूड़ियाँ, बिंदी, एटीएम, एटीएम ये एटीएम मशीन। गुल्लक, गुल्लक जैसे कि मैंने बताया आप लोग को ये गुल्लक। थैली, दुपट्टा, नोट, रुपया, पगड़ी, जूड़ा। तो बच्चों ये सब, ये जितने भी शब्द हैं ये सब इस चित्र में दिखाई पड़ रहे हैं। पगड़ी जैसे कि ये अंकल ने देखो पगड़ी बंधी है इनके सिर पे, थैला लिए हुए है ये महिला और दुपट्टा भी ली है, जूड़ा बंधा है कि नहीं। सिक्के, चिल्लर, नोट, ये सारे के सारे जो भी चित्र में हमें दिखाई पड़ रहे हैं वही यहाँ पर आए हैं। तो ये देखिए और क्या कहा गया है यहाँ पे, कुछ वाक्य भी कुछ दिए गए हैं देख लेंगे हम लोग। खुशी और आनंद रोज बचत करते हैं। हाँ तो बच्चों जो बचत करके जो पैसा जो बचता है उसे हमें कहाँ रखना चाहिए, तो बच्चे अक्सर पैसा गुल्लक में ही रखते हैं और बड़े लोग बचत करके पैसा बैंक में रखते हैं। कोई कोई गया रहेगा अपने माता पिता के साथ तो देखा रहेगा कि बैंक में पैसा बचत करने के बाद जो खर्च करने के बाद जो पैसा बचता है उसे बैंकों में रखा जाता है। बैंक में पैसा सुरक्षित रहता है इसीलिए लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, जिससे बैंक उस पैसे को यूज़ करती है यानी उपयोग करती है और उसका हमें ब्याज भी देती है, इसलिए लोग अधिकतर पैसा बैंक में रखते हैं। जैसे कि सामान खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए। सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पैसा मेहनत करने से मिलता है इसीलिए इसे ऐसे ही नहीं खर्च किया जाता है, बहुत मेहनत करते हैं तब जाकर हमें पैसा मिलता है। हम एटीएम बैंक से पैसा निकालते हैं। तो जैसा मैंने बताया ना बच्चों कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम एटीएम से निकालते हैं पैसा या फिर बैंक में जाकर निकालते हैं। कृपया चिल्लर पैसे दीजिए, दुकानदार हमें अक्सर बोलता है कि कृपया चिल्लर पैसे दीजिए, तो ताकि उसके जो छुट्टे हैं जो चिल्लर हैं वो ना ख़त्म हो इसलिए सामने वाले से ही वो चिल्लर पैसों की मांग करता है। पैसे हमेशा गिनकर ही लेन देन करना चाहिए, पैसे गिनकर लेना चाहिए और देना भी चाहिए, वरना क्या होता है गलती से ही सही लेकिन अधिक पैसे अपने खर्च हो जाते हैं या फिर किसी के द्वारा कम पैसे भी मिल सकते हैं। ठीक है तो हमेशा पैसे गिनकर लेन देन करना चाहिए। अपने गुल्लक में रोज़ पैसे जमा करो। बच्चों ये भी एक अच्छी आदत है कि हमें जो भी पैसे मिलते हैं उसे हमें अपने गुल्लक में जमा करना चाहिए। तो इस तरह से पैसों की बचत की जाती है, गुल्लक में जमा करके बैंक में जमा करके। तो बच्चों आज हम लोग ने इस चित्र में यही पढ़ा। हाँ अब हमारा यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए हैं, इन वर्णों का अनुरेखन करना है, पर मैं ये वर्ण बिना पढ़ाए आप लोग को कैसे कहूँ कि अनुरेखन करना है, इसे हम बाद में करेंगे। चित्रवाचन हमारा यहीं तक था आज का। ठीक है अब हम अपने अगली वीडियो में मिलेंगे, आगे के ये वर्णों की जानकारी भी मैं दूंगी। ठीक है ये अब मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।